कर्म से लाभ की प्राप्ति होगी, भाग्य में बड़ी वृद्धि। जीवन अत्यंत सुंदर है, जीवन अत्यंत सुंदर है, तितलियों संग घूमना चाहिए, सप्तरंग में डूबना चाहिए, जीवन ऐसे ही जीना चाहिए, जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। जीवन के हर पल का आनंद लेने वाली, आनंद से जीने वाली, आनंद का निर्माण करने वाली, ऐसी आपकी वृषभ राशि है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ के वातावरण को प्रसन्न करते हैं, इसे आपके राशि का मुख्य गुणधर्म कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके द्वारा दूसरों को भी आनंद से जीने की दिशा प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, तो आइए पहले वृषभ राशि के लिए इस महीने के ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिसंबर महीने में वृषभ राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपकी राशि स्वामी और षष्ठेश शुक्र ग्रह धनु राशि में, अर्थात आपके अष्टम स्थान से यात्रा जारी है। 8 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेगा। साथ ही 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में पुनश्च धनु राशि में आगमन होगा। उसके बाद द्वितीयेश एवं पंचमेश अर्थात परिवार एवं संतति के स्थान का स्वामी बुध ग्रह महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि से यात्रा जारी है। 9 दिसंबर को वह धनु राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा। 29 दिसंबर को पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। तृतीयेश चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करता है, वैसे ही उसका भ्रमण शुरू रहेगा। आपका चतुर्थेश अर्थात ग्रहों का राजा रवि महीने की शुरुआत में वृश्चिक राशि से यात्रा जारी है। 15 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर धनु राशि में प्रवेश करेगा। सप्तमेश एवं वेश मंगल ग्रह महीने की शुरुआत में तुला राशि से यात्रा कर रहा है। 4 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ जल तत्व की वृश्चिक राशि आती है जिसका स्वामी मंगल ग्रह है। उसके बाद अष्टमेश एवं लाभेश गुरु महाराज का पिछले माह में राशि परिवर्तन हुआ है, उस अनुसार आपके कर्म स्थान में उनका आगमन हुआ है। यह पूरा महीना वे वही रहेंगे। वृषभ राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह जो आपके भाग्येश एवं कर्मेश है, ऐसे शनि महाराज मकर राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। इसके अलावा राहु ग्रह आपकी राशि से और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से यात्रा जारी है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टियों से यह महीना वृषभ जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसे अब हम विस्तार से समझेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका राशि स्वामी अष्टम स्थान से यात्रा जारी है। कुंडली के अष्टम स्थान को बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्ष का स्थान माना जाता है, लेकिन वृषभ राशि अत्यंत आनंद एवं प्रसन्न राशि होने के कारण संघर्ष का काल आप आनंद से व्यतीत कर रहे हो। 8 दिसंबर को शुक्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। राशि स्वामी भाग्य स्थान में भाग्य को प्रबल करने के लिए जाता है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपका भाग्य प्रबल समृद्ध होगा, जिस कारण पिछले माह में आपको जो संघर्ष का सामना करना पड़ा है वह दूर होगा।
8 से 30 दिसंबर की अवधि में आपका भाग्य समृद्ध होगा, अर्थात उसका अत्यंत सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा। 30 दिसंबर को शुक्र वक्री अवस्था को प्राप्त होकर पुनश्च अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन जो मध्यकाल है वह आपके लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। परिवार, पारिवारिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब द्वितीयेश की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। आपका द्वितीयेश बुध ग्रह वृश्चिक राशि से यात्रा जारी है। 9 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा, परिणाम स्वरूप वहां से आपको पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ेगा। 29 दिसंबर को पुनश्च राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेगा, वहां से आपको पारिवारिक सौख्य की प्राप्ति होगी, लेकिन जो मध्यकाल के 20 दिन है वह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार में अकारण विवाद उत्पन्न होना, अकारण ही किसी विषय पर चर्चा होना, असहमति होना जैसे प्रकार हो सकते हैं, इसलिए आपको एक बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, परिवार की एकता बने रहना, परिवार का सहयोग प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी विवाद अस्थायी होता है, परिवार दीर्घकालीन सहयोग के लिए होता है, इसलिए इस अवधि में आपको अत्यंत सावधान रहकर उचित देखभाल करने की आवश्यकता है। परिश्रम, पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम का कारक ग्रह चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करता है, उस अनुसार आपको फल प्राप्त होते हैं। साथ ही आपके परिश्रम स्थान पर स्वराशि के शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। शनि महाराज आपके भाग्येश है और भाग्य से ही उनकी दृष्टि आपके परिश्रम के स्थान पर है, जिसके कारण आपके परिश्रम को उचित दिशा प्राप्त होगी, परिश्रम का उचित फल प्राप्त होगा। इस अवधि में यदि आप यात्रा करते हो तो वह भी आपके लिए लाभकारी रहेगी, बंधुओं के साथ सौख्य में वृद्धि होगी, कुल मिलाकर अत्यंत शुभ स्थिति आपको प्राप्त होगी। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति मातृ सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका चतुर्थेश ग्रहों का राजा रवि चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में अर्थात आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। वह स्थान भले ही उसके लिए अनुकूल न हो, वहाँ उसके मित्र ग्रह की राशि हो, लेकिन वहाँ केतु ग्रह भी विराजमान है, फलस्वरूप उसके शुभ परिणामों के कहीं न कहीं न्यूनता उत्पन्न होगी। इस 15 दिसंबर को रवि आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा, जो मूल रूप से नकारात्मक स्थान माना जाता है, इसलिए यह महीना वास्तु वाहन की दृष्टि से कतई उपयुक्त नहीं है। वास्तव में घर की सुख शांति भंग होने की संभावना अधिक है, उसे बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से प्रयास करने होंगे, रिश्ते को निभाना होगा। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। आपके पंचमेश बुध ग्रह सप्तम स्थान से यात्रा जारी है। 9 दिसंबर को वह आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेगा, साथ ही 29 दिसंबर को वह पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। पंचमेश की स्थिति को समझते हुए महीने का पहला सप्ताह आपके लिए शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि तब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होगा, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, लेकिन दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपको थोड़ा अधिक अध्ययन करना होगा। अधिक अध्ययन करने के बाद भी अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, अर्थात इस अवधि में आपको अध्ययन में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अंतिम सप्ताह स्थिति फिर से बदलाव होगा, वहाँ से आप शिक्षा में अध्ययन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इष्टदेव से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठेश की स्थिति को समझना आवश्यक होता है।
आपका षष्ठ शुक्र ग्रह जो आपका राशि स्वामी है वह आपके अष्टम स्थान से यात्रा जारी है, लेकिन 8 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर वह आपके भाग्य को समृद्ध करेगा, जिसके कारण पिछले माह में आपने जो संघर्ष किया है, विपरीत स्थिति में भी आपने जो कर्तृत्व किया है, उसका फल आपको प्राप्त होगा। षष्ठेश की स्थिति के साथ ही हम षष्ठ स्थान में विराजमान ग्रह और षष्ठ स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनकी स्थिति का भी विचार करते हैं। आपके षष्ठम स्थान में मंगल ग्रह विराजमान है, साथ ही स्वराशि के शनि महाराज की दृष्टि वहाँ है। परिणाम स्वरूप नौकरी के मोर्चे पर आपके लिए संघर्ष उत्पन्न होगा। यह संघर्ष की तीव्रता महीने के पहले सप्ताह में अधिक हो सकती है, उस तुलना में दूसरे सप्ताह में थोड़ी सुसह्य स्थिति होगी। उसके बाद नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है उन्होंने महीने के दूसरे सप्ताह में प्रयास करने चाहिए। पिछले महीने में प्रतिस्पर्धी एवं शत्रुओं द्वारा आपको अधिक परेशान किया गया है, इस महीने वे स्वयं ही शांत बैठेंगे, जिसके कारण आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। जिन जातकों का कोई कोर्ट केस चल रहा है उन्होंने दूसरे और तीसरे सप्ताह में अधिक प्रयास करने चाहिए, लेकिन पहले सप्ताह में यदि कोर्ट की तारीख है तो उसे टालना आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो वृषभ जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह महीने का दूसरा और तीसरा सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उन्नतिकारक रहेगा। इस अवधि में आपको अपने कार्यक्षेत्र में कर्तृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो पहले 4 दिनों को छोड़कर पूरा महीना आपके लिए लाभकारी एवं उन्नतिकारक रहेगा। व्यवसाय का विचार करते समय हम सप्तमेश सप्तम स्थान में विराजमान ग्रहों की स्थिति देखते हैं, साथ ही सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि हो उनके प्रभाव एवं अर्थ त्रिकोण का विचार करते हैं। इस पूरे ग्रह स्थितियों का विचार करें तो हम कह सकते हैं वृषभ जातकों के लिए नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्य शनि महाराज भाग्य स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से भाग्यवर्धक है। इस महीने के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो 8 दिसंबर को आपके राशि स्वामी का भाग्य स्थान में आगमन होगा, जिसके कारण चारों उंगलियां घी में, ऐसा इस काल का वर्णन हम कर सकते हैं। दिसंबर माह में भाग्य समृद्ध एवं मजबूत होगा, इसलिए कर्म में परिश्रम में कहीं कमी न हो, इसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही भाग्य आपको सहयोग प्रदान करेगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके कर्मेश शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है। उनकी यह स्थिति भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन वे कर्म के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके कर्म में कहीं न कहीं न्यूनता उत्पन्न हो सकती है, मन में आलस उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कर्म स्थान में आया हुआ लाभेश कर्म से लाभ के संकेत दे रहा है, क्योंकि लाभेश जहाँ विराजमान होता है वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपके कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश कर्म स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वे लाभ के व्यय स्थान में विराजमान है। यह स्थिति सूचित कर रही है कि आप अपना कर्म करते रहे, फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म पर अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित करें। गीता से भी हमें यही ज्ञान मिलता है कि मनुष्य को फल की अपेक्षा न करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म के अनुसार उचित फल उचित लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। वर्तमान ग्रह स्थिति यही सूचित कर रही है। भाग्य द्वारा आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, कई इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। फिर भी फल की लाभ की इच्छा न करते हुए कर्म करते रहना, यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन के दृष्टि से विचार करें तो पिछले माह में आपका जीवन साथी आपसे थोड़ा नाराज था, इसलिए आवश्यक है कि आप उन्हें कुछ उपहार देकर या कहीं बाहर ले जाकर उनकी नाराजगी दूर करें। अर्थात महीने की शुरुआत में जीवन साथी पर आपका थोड़ा खर्चा होगा जो आपके लिए अत्यावश्यक रहेगा, लेकिन उसके बाद खर्च का स्वरूप सामान्य रहेगा। महीने की शुरुआत में यदि आप खर्च करते हो तो आगे का समय आपके लिए लाभकारी होगा। कभी कभी कुछ खर्चे करने से कई प्रश्न हल हो जाते हैं। साथ ही व्यय के लाभ स्थान में आपका व्यक्तित्व आता है, जिसके कारण खर्च भी लाभकारी होते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब जीवन साथी नाराज हो और थोड़ा सा खर्च करने से यदि उसकी नाराजगी दूर होती हो तो खर्च अवश्य कीजिए। जो वृषभ जातक विदेश में स्थित है उनके लिए समय लाभकारी है, परिश्रम से प्रगति का समय है। नए नए प्रश्न उनके सामने उत्पन्न होते हैं और उसका समाधान खोजकर वे अपना रास्ता भी बनाते हैं। भाग्य का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है, जिसके कारण वे सफलता के बड़े मुकाम पर पहुंचने की संभावना है। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है, यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 9, 18 और 28 यह दिन शुभ रहेंगे, 7, 15 और 25 यह दिन अशुभ और तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई सीधे सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। जो कोई भी कर सकता है, उपाय भले ही छोटे हो उनका प्रभाव निश्चित ही बड़ा है। साथ ही दिसंबर में खर मास का आरंभ होगा, तो खर मास के अनुसार वृषभ जातकों के लिए उपायों की दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह अत्यंत सरल मंत्र का 108 बार पठन करने का उपाय आपको सूचित किया जा रहा है। इस उपाय के आपको अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी प्रभाव प्राप्त होंगे। वृषभ जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।